हेलो व्यूवर्स, स्वागत है सॉल्यूशन अप पर आप सभी का। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, कुछ खास नहीं करने वाले। आज हम 9th क्लास की 8th पोएम करने वाले हैं ऑन किलिंग अ ट्री के क्वेश्चन आंसर। पोएम तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, गेव पटेल की ये पोएम है। तो क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है जिससे आपको क्या मिलेगा, इसके क्वेश्चन आंसर बाकी पोएम्स के, और डिस्क्रिप्शन में ही आपको एक्सप्लेनेशन के भी लिंक मिल जाएंगे। मतलब एक ही लिंक दिया हुआ है मैंने प्लेलिस्ट का, वो चेक कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 111 नंबर पेज पर आपके जो थिंकिंग अबाउट द पोएम क्वेश्चंस दिए हुए थे, पहला क्वेश्चन क्या है उसमें, कैन अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ किल अ ट्री, कि क्या मतलब चाकू के एक प्रहार से एक पेड़ को काटा जा सकता है, सॉरी मारा जा सकता है, वाई नॉट, अगर नहीं तो क्यों नहीं। तो चलिए आंसर देख लेते हैं क्या है। नो, अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ कैन नॉट किल अ ट्री बिकॉज इट्स टेक मैनी ईयर्स फॉर अ ट्री टू ग्रो एंड राइज आउट ऑफ द अर्थ। तो क्यों नहीं मारा जा सकता, क्योंकि एक सिंपल जैब ऑफ नाइफ यानी कि एक चाकू का एक प्रहार इसे काट नहीं सकता है, क्यों नहीं मार नहीं सकता है, क्यों नहीं मार सकता, बिकॉज इट में इट टेक्स मैनी ईयर्स, क्योंकि इस पेड़ को बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा साल लगे हैं, बड़े होने में, और अर्थ से, अर्थ की जो क्रस्ट होती है उससे अपने आप को बाहर निकालने में काफ़ी ज़्यादा साल लगे हैं, इसलिए सिर्फ एक चाकू के प्रहार से पेड़ नहीं कटने वाला। सो मोर ओवर ओनली अ चॉप कैन नॉट किल इट बिकॉज इट विल स्लोली राइज अगेन एंड ग्रो टू इट्स ओरिजिनल साइज। और मतलब एक चॉप यानी कि एक छोटे बहुत जगह से काटने से ही पेड़ नहीं मर सकता, क्यों नहीं मर सकता, क्योंकि वो फिर से वापस से बड़ा हो जाएगा और अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएगा। और जैसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में भी बताया था कि जैसे हम अगर पेड़ को ऊपर से नीचे तक पूरा काट भी देते हैं लेकिन उसकी जो जड़ है उसे नहीं उखाड़ते हैं तो पेड़ वापस से उग जाता है, मतलब वो स्प्राउट होना शुरू हो जाता है, अंकुरित होने लग जाता है वापस से। तो उसकी वजह से क्या होता है, फिर पेड़ वापस से कुछ समय में बड़ा हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ हैज़ द ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज़। तो जो पेड़ है वो वापस से अपनी वापस से क्या पेड़ बड़ा कैसे होता है, फुल साइज कैसे होता है, वो बताना है। लिस्ट द वर्ड सुजेस्टिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी। और इसमें जो पोएम में वर्ड्स आए हैं इसकी लाइफ और एक्टिविटी को दिखाने के लिए वो कौन कौन से हैं वो भी बताने हैं। सो द ट्री ग्रोज टू इट्स फुल साइज बाय एब्जॉर्बिंग एयर ऑफ सनलाइट, वाटर एंड एयर। तो पेड़ एक कैसा बड़ा होता है, भी पेड़ बड़ा होता है जैसे उसको सूरज की रोशनी मिलती है, हवा मिलती है, पानी मिलती है, उन सभी को एब्जॉर्ब करके वो धीरे 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 बड़ा होता जाता है। इट स्लोली ग्रोज आउट ऑफ द अर्थ और एंड स्प्राउट लीव्स। अब वो क्या है, धीरे धीरे अपनी धरती से बाहर की तरफ निकलता है और अपनी लीव्स को स्प्राउट करता है, अपनी लीव्स को बिखेरता है बाहर की तरफ। स्प्राउट्स का वैसे एक्चुअल मीनिंग होता है अंकुरित होना। अंकुरित जैसे आपको बता दूँ कि जैसे मैं अपने घर का ही एग्जाम्पल दूँ, तो जब हमारे घर पर सोना हलवा बनना होता है तो क्या होता है, मम्मी क्या करती है, उस जो कनक के दाने होते हैं उन्हें क्या है, धोकर और किसी चीज़ में बांध कर रख देती है और बोलती है कि कुछ टाइम से ये फोटे जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे, फिर इन्हों आप बनावांगे। तो ऐसे मेरी मम्मी बोलती है। तो वो चीज़ अंकुरित होना है, जो उसका फूटना होता है, उसकी हल्की हल्की पत्तियाँ निकलनी होती हैं, वो होती है स्प्राउटिंग। सो द वर्ड सुजेस्टिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी आर ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, एब्जॉर्विंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड स्प्राउटिंग लीव्स। तो जो पोएम में वर्ड्स आ रहे हैं सुजेस्ट करने के लिए वो कौन कौन से आ रहे हैं भाई, वर्ड्स तो काफ़ी आ रहे हैं। तो पहला कौन सा वर्ड आ रहा है इसमें, ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, कि धीरे धीरे क्या है वो अर्थ से क्या है अपने आप को बाहर निकाल रहा है, उठा रहा है, राइजिंग आउट ऑफ इट यानी कि अर्थ से बाहर अपनी क्रस्ट पर ला रहा है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, जो धरती की जो अपर मोस्ट लेयर होती है, अर्थ की क्रस्ट होती है उसकी, उस पर ही उसको सारा कुछ फीडिंग मिल रही है, यानी कि उसका उसको पानी वहाँ पर मिल रहा है, हवा भी उसी के थ्रू मिल रही है, अंदर जाती है, और जो सनलाइट है वो भी वहीं से मिलती है। अब्जॉर्बिंग एयर्स ऑफ सनलाइट, वो काफ़ी लंबे समय तक यानी कि काफ़ी सालों तक सनलाइट लेता है, एयर लेता है, पानी लेता है, एंड और अपनी पत्तियों को क्या है, स्प्राउट करता है, अंकुरित करता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो ये सेकंड हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बाग। तो ब्लीडिंग बाग का क्या मीनिंग है भाई, ये बताना है हमें, व्हाट मेक्स इट ब्लीड, और ब्लीड इसे मतलब ब्लीडिंग का एक्चुअली मीनिंग मैंने आपको पोएम में बताया था कि क्या होता है, कुछ जैसे खून का बहना एक्चुअल में ब्लीडिंग होता है। तो
ब्लीड वही चीज़ है, तो ब्लीड से क्या क्या मतलब है यहाँ पर। सो ब्लीडिंग बार्क रेफर्स टू द एरिया ऑन द ट्री ट्रंक वेयर इट हैज़ बीन हिट विद द एक्स। तो कुल्हाड़ी से जब एक पेड़ पर प्रहार किया जाता है, मारा जाता है, उसे हिट किया जाता है, तो क्या होता है वहाँ पर कट लग जाता है एक, तो जब वहाँ से कुछ चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है वो क्या है उसका ब्लीडिंग बार्क होता है। जहाँ से जैसे हमें कहीं कट लग जाए तो हमारे खून निकलता है, और पेड़ों पर कट लगाते हैं तो जहाँ पर कई बार चिपचिपा पदार्थ निकलता है वो उनका खून ही मान सकते हैं हम। इट ब्लीड्स बिकॉज द वुड कटर हैज़ वाउंडेड द ट्री बाय कटिंग एंड चॉपिंग इट। और वो ब्लीड क्यों करता है, यानी कि बहता क्यों है, क्योंकि जैसे हम प्रहार करते हैं लकड़ी से, कटर से उस पेड़ पर, तो वहाँ पर कट लग जाता है, और जिसकी वजह से कट लगने की वजह से क्या है वहाँ पर कुछ ना कुछ अगर ज़्यादा खो देते हैं तो पेड़ों से निकलता ही है, ऑब्वियस सी बात है, बाहर से करते हैं तो कई बार ही निकलता है, तो इसलिए वहाँ पर ब्लीड होने लग जाता है, ब्लीड शुरू हो जाता है, उसकी ब्लीडिंग होने लग जाती है। सो फोर्थ क्वेश्चन इज नो इन द बिगनिंग ऑफ द थर्ड स्टेंजा। तो थर्ड स्टेंजा में की स्टार्टिंग में पोएम थर्ड स्टेंजा की स्टार्टिंग में पोएट ने नो वर्ड यूज़ किया है, तो उस नो वर्ड का क्या मीनिंग है यहाँ पर ये बताना है। सो इन द बिगनिंग ऑफ द थर्ड स्टेंजा द पोएट हैज सेड नो टू ले एम्फेसिस ऑन द फैक्ट दैट मेयर चॉपिंग ऑफ द ट्री वुड नॉट किल इट। तो यहाँ पर जो थर्ड स्टेंजा के स्टार्टिंग में पोएट ने नो वर्ड यूज़ किया, उससे क्या है पोएट क्या जोर देना चाह रहा है, ले एम्फेसिस का मीनिंग है जोर देना, तो उस फैक्ट से पोएट क्या जोर देना चाह रहा है उस वर्ड से कि मेयर चॉपिंग यानी कि हल्के से केवल काटने से क्या है वो पेड़ नहीं मरेगा, जैसे हमने पोएम में भी पढ़ा था काटने से पेड़ नहीं मरेगा, द ट्री वुड ग्रो अगेन एंड रिटेन इट्स ओरिजिनल साइज। वो पेड़ तो क्या है वापस से बड़ा हो जाएगा और अपने ओरिजिनल साइज में वापस से आ जाएगा अगर उसे काट देंगे तो, मतलब वो पेड़ मरा नहीं है वो जिंदा है, बस कुछ समय के लिए दब गया है ऐसे कह सकते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंकरिंग अर्थ एंड अर्थ केव। तो अर्थ केव और एंकरिंग अर्थ का क्या मीनिंग है वो बताना है। एंकरिंग अर्थ रेफर्स टू द रूट्स ऑफ द ट्री दैट लाई इनसाइड द अर्थ एंड प्ले द रोल ऑफ एन एंकर फॉर द ट्री टू ग्रो। एंकरिंग का मीनिंग एक्चुअली होता है सहारा देना, और यहाँ पर क्या मीनिंग है, यहाँ पर भी वैसा ही मीनिंग है कि जो एंकरिंग अर्थ है वो क्या रेफर कर रहा है कि जो ट्री की रूट्स हैं जो कि अंदर की तरफ है धरती के, उनको सहारा मिल रहा है और वो क्या एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, एक एंकर का रोल प्ले कर रहा है उस पेड़ को बड़ा होने के लिए। दे इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द ट्री एज दे नरिश इट विद वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। अब वो क्या है वो उसे सहारा दे रहे हैं और पेड़ को क्या है जैसे जैसे पानी मिल रहा है और सूर्य की किरणें मिल रही हैं और हवा मिल रही है उससे क्या वो नरिशमेंट मिल रही है उससे, और वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उससे सिक्योरिटी मिल रही है, उसे और मजबूती मिल रही है ये कह सकते हैं। अब अर्थ केव का पूछा है। सो द अर्थ केव रेफर्स टू द ग्राउंड ऑन विच द फाउंडेशन ऑफ द ट्री इज लेड एज इट होल्ड्स द रूट्स एंड कीप्स द ट्री स्टैंडिंग टॉल एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम एडवर्टाइजिंग सच एज हैवी रेनफॉल और स्टॉर्म। अब अर्थ केव से क्या मीनिंग है, यहाँ पर अर्थ केव रेफर कर रहा है उस ग्राउंड को, उस जगह को, उस समतल जगह को, या फिर कोई भी जगह है उस जगह को डेडिकेट करते हुए कह रहा है कि जहाँ पर वो पेड़ है खड़ा है वो पेड़ और अपनी रूट्स को क्या है मजबूती दे रहा है पेड़, उस जगह के लिए अर्थ केव यूज़ किया है। एंड कीप्स द ट्री स्टैंडिंग टॉल एंड, और जिस जगह के सहारे से वो पेड़ खड़ा है और धीरे धीरे बड़े जा रहा है, चाहे कोई भी हैवी रेनफॉल आ जाए, चाहे कोई भी तूफान आ जाए, स्टॉर्म आ जाए, और इन सभी मुश्किलों में भी वो पेड़ खड़ा रहता है, तो उस खड़े रहने की वजह से उससे जो सहारा मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है, अर्थ केव में ही मिल रहा है। अब सिक्स क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज ही मीन बाय, अब ही यहाँ पर पोइट के लिए यूज हुआ है, सो व्हाट डज ही मीन बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड। तो द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड हमारी पोएम में लाइन आई थी, उसका क्या मीनिंग है पूछा है। सो द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री लाइज इन इट्स रूट। तो पेड़ की जो मजबूती होती है वो किस में होती है, उसकी रूट्स में होती है, विच द पोइट आस्क टू स्नैप आउट इन ऑर्डर टू किल द ट्री। और पोएट ने हमें यहाँ पर क्या बताया है कि अगर आपको एक पेड़ को मारना है तो उसे जड़ से खींचना होगा, स्नैप आउट करना होगा। दस द फ्रेज द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड रेफर टू द रूट्स ऑफ द ट्री बीइंग एक्सपोज्ड टू सनलाइट एंड एयर। और यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंगली ये जो फ्रेज आया है द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, ये क्या रेफर कर रहा है
उस पेड़ की जड़ों को रेफर कर रहा है जो कि सनलाइट और एयर की वजह से धीरे धीरे, पानी की वजह से भी धीरे धीरे बढ़ती गई और एकदम से मजबूत होती गई। उन जड़ों को ही डेडिकेट कर रहा है उस स्ट्रेंथ को। सेवंथ और लास्ट क्वेश्चन है इस पोएम का, क्या है, व्हाट फाइनली किल्स द ट्री। तो आखिरकार एक पेड़ की मौत कैसे होती है वो पूछा गया है। सो द ट्री इज फाइनली किल्ड बाय द अपरूटिंग ऑफ इट्स रूट्स। तो एक पेड़ कैसे मरेगा भाई, एक पेड़ मरेगा जब उसे जड़ से उखाड़कर फेंक दिया जाएगा। व्हेन द रूट्स व्हिच हैड एंकर्ड इट लाइंग हिडन इन द अर्थ फॉर इयर्स वर डग आउट, द ट्री स्ट्रेंथ वॉज एक्सपोज्ड एंड दिस लेड टू द डेथ ऑफ द ट्री। तो एक पेड़ कैसे मरेगा जब उसकी जड़ों को उखाड़ा जाएगा, जो कि काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर सहारे से रही थी, एंकर रही थी, एक सपोर्ट मिली हुई थी और काफ़ी लंबे समय तक अर्थ में सालों तक वो क्या है छिपी रही थी। उसकी जो रूट्स हैं उन्हें क्या है हमें डग आउट करना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा। द ट्री स्ट्रेंथ वॉज एक्सपोज और वहाँ पर ही क्या आपको एक पेड़ की मजबूती पता चलेगी, क्या होती है उस मजबूती क्या होती है उसकी। और वो सब उखाड़ने के बाद क्या होने वाला है, कंक्लूजन क्या आएगा कि एक पेड़ की मौत हो जाएगी। दिस लेड टू द डेथ ऑफ अर्थ डेथ ऑफ द ट्री। तो उससे क्या एक पेड़ की मौत का आपको पता लग जाएगा, इट ड्राइड अप और उसके बाद क्या होगा वो पेड़ सूख जाएगा आफ्टर इट हैड बीन अपरूटेड। जब उसे उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा तो वो क्या है धीरे धीरे पानी वगैरह ना मिलने की वजह से क्या है एकदम से ड्राई हो जाएगा और एकदम सूख जाएगा और ब्राउनिश सा हो जाएगा। तो ये थी हमारी पोएम के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है क्लास 9th के जो पोएम्स वाला सेक्शन है उसके क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन का, वो मैंने लिंक दिया है तो वो लिंक चेक कर लीजिएगा ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। थैंक यू।